चेन्नई वर्सेस पंजाब के बीच खेले गए हाई स्कोरिंग मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स को 4 विकेट से आखिरी ओवर में हार का सामना करना पड़ा, लेकिन हार के बावजूद भी डेवन कॉनवे हीरो बन गए क्योंकि प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब उन्हें मिलता नजर आया। चेन्नई सुपर किंग्स ने 200 रन 4 विकेट के नुकसान पर बनाए थे, जिसमें सबसे बड़ी पारी और नाबाद पारी खेली थी डेवन कॉनवे ने। 52 गेंद में 92 रन की 16 चौके एक छक्के की बदौलत शिवम दुबे ने 17 गेंद में 28 बनाकर थोड़ा योगदान दिया था। गायकवाड़ ने 37 रन बनाए थे 31 गेंद में। शिवम दुबे ने 17 गेंद में 28 तो वहीं मोइन अली ने 6 गेंद में 10। रविंद्र जडेजा ने सिर्फ 10 गेंद में 12, लेकिन चेस करने उतरी पंजाब किंग्स की तरफ सबसे ज्यादा रन यहां पर बनाते नजर आए प्रभ सिमरन सिंह, जिन्होंने 24 गेंद में 42 तो वहीं लियाम लिविंगस्टन ने 24 गेंद में 40 बनाए थे। लास्ट में सिकंदर रजा शाहरुख खान की अच्छी पारी के दम पर यह मुकाबला जीतते नजर आए। लेकिन डेवन कॉनवे की बात करें, डेवन कॉनवे अपने शतक से चूक गए, शतक हो ही जाता लेकिन जिस तरीके से जब धोनी आए थे 20वें ओवर की दूसरी गेंद का सामना कर रहे थे तो उन्होंने सिंगल लेकर फटाफट डेवन कॉनवे को स्ट्राइक दे दी क्योंकि उनको पता था कि डेवन कॉनवे शतक से सिर्फ 8 रन दूर हैं। लेकिन तब डेवन कॉनवे ने बड़ा छक्का लगाने के चक्कर में कैच दे बैठे थे, लेकिन वो कैच हुई नहीं थी, जमीन से छू गई थी गेंद। फिर उसके बाद यहां पर आगे देखा गया तो वो गेंद मतलब मान्य थी और कैच नहीं थी, लियाम लिविंगस्टन ने वो कैच पकड़ा था लेकिन वो गेंद छू चुकी थी, तो एक सिंगल हो चुका था। धोनी स्ट्राइक पर थे, धोनी ने आखिरी की 2 गेंदों पर 2 छक्का मारकर मुकाबले में 200 रन का टारगेट पहुंचाया। आपको बताया डेवन कॉनवे के बारे में, इस सीजन सबसे बेस्ट उनका जा रहा है। 2022 में सिर्फ 7 मैच खेले थे लेकिन इस खिलाड़ी ने 252 रन तब भी बनाए थे 42 की एवरेज से, और पिछले सीजन इस खिलाड़ी ने 350 लगाए थे, और इस सीजन 9 मैचों में अभी तक देखा जाए तो 5 बार 50 से ज्यादा स्कोर कर चुका है। 92 रन हाईएस्ट स्कोर है, 59 की एवरेज से 414 रन बना चुका है। ऑरेंज कैप की लिस्ट में इस खिलाड़ी का नाम तीसरे नंबर पर चल रहा है क्योंकि पहले पर यशस्वी जायसवाल, जिन्होंने शतक लगाया राजस्थान और मुंबई के मैच के खिलाफ, फैफ डू प्लेसिस ने 422 रन बनाकर दूसरे नंबर पर हैं। अगर 8 से 9 रन यहां पर और बना लेते डेवन कॉनवे तो फैफ डू प्लेसिस से ऊपर आ जाते, लेकिन सबसे अच्छी बात यह कि इस खिलाड़ी ने जिस दमदार पारी से यहां पर मुकाबले में रन बनाया इसको प्लेयर ऑफ द मैच भी मिलता नजर आया। लेकिन आपको बताएं कि जिस तरीके से डेवन कॉनवे ने यह पारी खेली, शानदार यह पारी थी और साथ ही साथ इसके कुछ अलग नजारे भी मैदान पर देखने को मिल ही रहे थे क्योंकि डेवन कॉनवे अकेले लगे पड़े थे, बाकी छोर से विकेट गिर रहे थे, आ रहे थे, जा रहे थे। डेवन कॉनवे को चेन्नई सुपर किंग्स ने 1 करोड़ की कीमत पर खरीदा था आईपीएल के ऑक्शन में, सिर्फ 1 करोड़ की कीमत पर खरीदा था, और लगातार ये खिलाड़ी रन बनाता नजर आया। शुरुआती कुछ मैच में जो शुरुआती 4 करीब ये पहला छठा मैच जो 12 मैच गुजरात लखनऊ मुंबई के खिलाफ था वहां पर फ्लॉप रहे थे, बाकी सभी मुकाबले में इस खिलाड़ी ने रन बनाए। राजस्थान के खिलाफ भी सिर्फ 8 ही रन बनाए थे, बाकी हर मुकाबले में इस खिलाड़ी के बल्ले से रन आते नजर आए हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि ऑरेंज कैप की लिस्ट कोई और विदेशी खिलाड़ी जीतेगा या भारतीय खिलाड़ी, तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा। इस मुकाबले में हारने के बाद चेन्नई सुपर किंग्स के थोड़ा बहुत नेट रन रेट और 2 पॉइंट्स का नुकसान होता नजर आया। बहुत बहुत धन्यवाद।